सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर नेट ऑन करेंगे और सर्च इंजन में जाकर गूगल टाइप करेंगे। जैसे ही गूगल का सर्च इंजन ऑन होता है, उस पर हमने आधार सर्च करना है। आधार में एक विंडो ओपन होती है, ई आधार बाय यूनिक आइडेंटिफिकेशन डाउनलोड। इसके बाद हम उसको क्लिक करने पे एक पेज ओपन होता है, उसको फिलअप करना होता है हमें। जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था कि जो भी जानकारी हम इसमें फिलअप करते हैं और हमारे द्वारा जो आधार आइडेंटिफिकेशन बनाते समय जो भी पर्ची मिलती है उसमें जो भी जानकारी होती है वो एक्यूरेट वैसी की वैसी हमें उस फॉर्म पे फिलअप करनी होती है। जैसे कि हम ये कर पा रहे हैं, हमने टाइप किया फर्स्ट बॉक्स में, सेकंड बॉक्स में। अब हम इस पे पर्ची में देख के नाम टाइप करेंगे। नाम टाइप किया हमने आदर्श कुमार पांडे परोहा, सॉरी। अब इसके बाद हमने पिन कोड एरिया पिन कोड होता है वो टाइप किया। जैसा कि हमने बताया एक ही भी शब्द गलत नहीं होना चाहिए, तो उस हिसाब से हमने परोहा पे आर लगाया और ये हमने कैप्चा इमेज थी ये टाइप करके डाल दिया है और अपना मोबाइल डाला है, मोबाइल नंबर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये मोबाइल पास में होना चाहिए, कंफर्म कर लेना चाहिए। ये मेरा दूसरा मोबाइल नंबर है, वो वाला मोबाइल नंबर ऑन नहीं है, ये मैंने दूसरा मोबाइल डाला जो मेरे पास अवेलेबल है। इसके बाद हमने क्लिक किया, ये एक मैसेज शो हो रहा, नॉट इंफॉर्मेशन अवेलेबल द एंटर्ड आईडी। इसको डालने के बाद हमें चेक करने के लिए, जैसे इसमें सर नॉट वेरिफिकेशन अवेलेबल आईडी बताया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, इफ यू आधार कार्ड अप्रूव्ड नॉट श्योर तो क्लिक हियर। यहाँ पे चेक करने के लिए विंडो ओपन हुई है। विंडो में हमने वही एनरोलमेंट नंबर डाला है, पुरानी रसीद वाला, और सेकंड बॉक्स में टाइमिंग डेट जिस डेट पे बनाई हुई है रसीद वो डाला है हमने। इसके बाद एक कैप्चा एंटर होता है, सिक्योरिटी कोड इसको बोलते हैं। इसमें क्लिक किया आपने तो उसके बारे में जानकारी शो हो गई, द एनरोलमेंट, द अंडर मैनुअल चेक आधार क्वेश्चन डिले, रीजन बताया कि अभी चेक हो रहा है आपका आधार कार्ड। इसी तरह रिफ्रेश करके हम अगर दूसरा आधार कार्ड डालते हैं तो दूसरे आधार कार्ड में जो भी प्रोसेस हुई है वो बताया। आप देख रहे हैं पहले बॉक्स में ये मेरा कंप्यूटर स्क्रीन एरर है, तो ये दूसरे बॉक्स में हमने डाला डेट और टाइम दूसरे आधार कार्ड का और ये कैप्चा डाला, प्लीज चेक किया हमने और ये बताया नो रिकॉर्ड फाउंड, मतलब ये वाला आधार बना ही नहीं है। अब हम एक नया आधार कार्ड लेंगे, इसमें कई प्रकार की बातें सामने आ सकती हैं, तो आपको घबराना नहीं है। अपने आधार कार्ड को सुनिश्चित कर लें कि सही जानकारी अपन दे पा रहे हैं या नहीं। इसके बाद हम ये सिक्योरिटी कोड डालें, एक बार और चेक करेंगे, ये एंटर किया हमने, सबमिट किया, चेक, ये रिजल्ट हमारे सामने है, द एनरोलमेंट हैज बीन रिजेक्टेड, ये वाला आधार कार्ड रिजेक्ट हो गया है। हम आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं। ये हमने सर्च इंजन खोला, इस पे हमने टाइप किया डबल ए आधार, ये आधार कार्ड शो कर रहा है, हमने उस पे एंटर करके एंटर मारा, यह एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन का ऑप्शन जिस पर हमने क्लिक करना है। तत्पश्चात हमें फॉर्म फिलअप करना है, बिल्कुल एक्यूरेट वैसा ही जैसा कि आपकी स्लिप में है। ये एनरोलमेंट हमने एंटर किया और डेट और टाइम हमने डाला है, ये लास्ट ये डेट और टाइम डाला। इसके बाद हम नाम एंटर करेंगे, नाम ये मेरा सिस्टम एरर है। नाम एंटर करने के बाद लिखा हमने हर्षिता सेन, इसके बाद एरिया पिन कोड लगता है, फिर हमने टेक्स्ट
जो उसमें शो कर रहा है वो हमने एंटर करना है, एक्यूरेट करना है, और हमने अपना ये जो पास में है मोबाइल उसका नंबर एंटर किया है और ये क्लिक किया है कि ये आपको दिख रहा है वन टाइम पासवर्ड हैज बीन सेंड ऑन टू मोबाइल नंबर फला फला फला। उस पर हमने मैसेज देखा, मोबाइल पे मैसेज आया हुआ, ये हमने टाइप किया ओटीपी कोड और ये वैलिडेटेड एंड डाउनलोड, ये हमारा आधार कार्ड डाउनलोड हो गया है। आधार कार्ड डाउनलोड हो गया है, इसको हम शो करके भी देखने के लिए अपना ये विंडो अब हम आपको दिखाते हैं। ये हमने शो ऑन फोल्डर कर लिया है, डबल क्लिक करेंगे ये पीडीएफ फाइल में ओपन होता है। जो हमने वहां पे एरिया पिन कोड डाला था वो हम यहाँ पे डालेंगे पासवर्ड के रूप में, और ये हमारा आधार कार्ड ओपन हो रहा है पीडीएफ फाइल में। ये ओपन हुआ, हम यहाँ देखेंगे पूरा जानकारी यहाँ पे है, हर्षिता शेन डेट ऑफ बर्थ, ये सारा, ये पूर्ण रूप से आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो गया। थैंक यू।